शहर में आगामी त्योहारों को देखते हुए टीकमगढ़ पुलिस द्वारा आज अवैध शराब पर कार्यवाही का मन बनाते हुए छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। टीकमगढ़ SDOP KP सिंह, DSP प्रिया सिंधी, कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार, देहात थाना प्रभारी नासिर फारूकी के द्वारा संयुक्त रूप से शहर के कुछ बंदियां मोहल्ले में छापामार कार्यवाही की, जहां से कच्ची शराब एवं आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं रोरिया मोहल्ले में भी छापामार कार्यवाही की गई, जहां पर देसी अवैध शराब जब्त की गई एवं आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस की इस कार्यवाही से जिन स्थानों पर छापामार कार्यवाही हुई वहां पर रहने वाले लोगों द्वारा पुलिस की प्रशंसा की गई। साथ ही कहा गया कि ऐसी कार्यवाहियां निरंतर होती है तो मोहल्ले मोहल्ले बिकने वाली अवैध शराब पर अंकुश लगाया जा सकता है। पुलिस द्वारा ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहने से अवैध शराब पर लगाम लग सकती है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। शहर में लगातार सूचनाएं मिल रही थी आम लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सब प्रांत लोगों के माध्यम से कि शहर में अवैध रूप से शराब की बिक्री की काफ़ी मात्रा है। और जैसे ही शाम का समय होता है असमाजिक तत्व शराबों का सेवन करके रोडों पे आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि आगे होली का त्यौहार और सभी बारात का त्यौहार है, इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने आदेश दिया और उनके आदेश के पालन में आज श्रीमान SDOP महोदय, कोतवाली थाना प्रभारी मतलब मैं, मेरे साथ में देहात थाना प्रभारी DSP महिला प्रकोष्ठ और महिला थाना प्रभारी के अलावा मैं थाने के स्टाफ में उपनिरीक्षक रघुराज सिंह, अंकित दुबे, चंदन सिंह और हमारे स्टाफ बाकी के स्टाफ प्रोफेसर स्टाफ आरक्षक प्रधान आरक्षक की ऐसा ही सभी हैं। इन लोगों ने एक संयुक्त रूप से तैयारी करके टीकमगढ़ शहर की प्रसिद्ध कुछाना मोहल्ला और उसका एक और टौरा है, दूसरी इसके अलावा नरैया मोहल्ला में लगभग 25 जगह हम लोगों ने जहाँ पर अवैध शराब बिक्री होने की सूचना मिल रही थी तभी दी, जिसमें लगभग हमने 7 लोगों को शराब का विक्रय करके पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इन लोगों के पास से कोई शराब वगैरह नहीं है? हाँ, शराब की मात्रा मिली है, हम आपको बता देते हैं। सर, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, आगे और क्या प्रश्न रहेगी त्यौहार के साथ? लगातार पुलिस की कार्रवाई रहती है क्योंकि हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय अपराधों और अपराधियों पर लगातार अंकुश लगाने का प्रयास करते रहे और हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम करते रहे, तो त्योहारों के मद्देनजर की कार्रवाई लगाते रहे। सर, जैसे कि गोरख के मोहल्ले में शराब पकड़ी गई है क्वार्टर, ये MP के हैं कि ये? हम आपको देख के बता देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ एक 25-50 लोगों की पुलिस बल इकट्ठा गया हुआ था, वो आप लोग देख रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं कौन सी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।